एप्पल शेक। एप्पल शेक कहाँ गई थी होली खेलने? बड़ी मम्मी के घर, फ्रेंड के घर। फ्रेंड्स के पास गई थी। लो लो लो, ये क्या गाइस, इसमें बस दूध, रुको रुको, बर्फ भी डालनी है और शक्कर डालो डालो डालो, शक्कर शक्कर शक्कर, एक चम्मच बहुत रहेगी। ठीक है, हाँ एप्पल मीठा होता है। हो गया पक्का? शक्कर थोड़ी ना हुई होगी तेल। हो गई उसमें। पक्की बात, पक्की बात, गलत लगा तो, गंदा लगा तो मैं पी लूंगी। देखना इनको। हाँ तो फेंकेगी। सही है सही है। ग्लासेस इसमें पियेंगे अपन। जान दो जान दो जान दो बस। अरे ये तो दो ग्लास हो गया। गाइस को पिला दो। गाइस तुम लोग यहाँ होते सही में पिलवा जाते। देखो एक्स्ट्रा बन गया यार, एक ग्लास दूध में इतना। वाह यार। गुड मॉर्निंग, अभी मेरा चल रहा है गाइस ब्रेकफास्ट। ये देख लो भाई, मस्त जो है। अभी मम्मा लोग ना बाहर गए थे तो समोसे वगैरह लेके आए। मैं शार्क टैंक देखूंगा और भाई अपने दो समोसे खाऊंगा, उसके बाद मूड में आऊंगा, फिर व्लॉग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो हे गाइस, नमस्ते, व्हाट्स अप, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अभी तो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, आप लोग को दिखाई था, मस्त समोसे वगैरह खाए मैंने। और अब गाइस अपन चल रहे बैंक। आप लोग ने पुराने वाले व्लॉग्स में दिखा होगा ना कि अपना एक बैंक अकाउंट वाला जो काम है वो काफी टाइम से पेंडिंग था, तो भाई वो काम निपटाने अभी अपन घर से निकल रहे हैं। और गाइस मुझे लेंस कार्ड भी चलना है, वो भी मैं आप लोग को भी बताऊंगा थोड़ी देर से। ठीक है, पहले तो भाई बाइक को करा जाए स्टार्ट और जो है चलते हैं अपन बैंक में। ठीक है, मुझे ना फोटोकॉपी करानी है कुछ डॉक्यूमेंट्स की, तो वो करा के ले आते हैं। गाइस डॉक्यूमेंट्स तो प्रिंट करा के ले आया हूं। अब बैक एंड से क्यों दिखा रहा हूं? बिकॉज़ मेरा एड्रेस लीक हो जाएगा। ठीक है, अब अपन चलेंगे गाइस डायरेक्ट बैंक। और अपना बैंक 6.5 hours later। हां जी मेरी जान, बैंक वाले काम से तो यार अपन हो गए अब अच्छी तरीके से फ्री। अब प्लान में थोड़े ना चेंजेस आ गए। अपन चल रहे भाई पंपम भाई के घर पे, क्योंकि मेरा ना चश्मा होली वाले दिन में लेके गया था। मेरे पास एक ब्लैक कलर का सनग्लासेस जो मैं पहले ना पुराने वाले ब्लॉग्स में पहना करता था वाले चश्मे को, पर हुआ क्या उसका ना एक स्क्रू टूट गया यहाँ से, तो लेंस कार्ड चल के वो अपन को सही करवाना है। कल आपने देखा होगा होली ब्लॉग करने गए थे तो वहाँ पे लेके गया था, पर वो ले जाने से पहले ही टूट गया था, तो उसको मुझे सही कराना है। ठीक है, मैं बस निकल ही रहा था और मम्मा का कॉल आ गया, उन्होंने कहा कि पहले घर आ जाओ। अच्छा हुआ कि भाई मैं घर के पास ही था तो मैं घर आ गया, बिकॉज मैंने कुछ खाया भी नहीं था, पर मैं सोचा था बाहर खा लूंगा, पर मम्मा ने बोला नहीं तू घर आ, इडली सांभर बनाया मैंने, खा के ही जाना जहाँ भी जा रहा है। खाना तो टाइम से खा लो। अच्छा, मैं टाइम से खाना नहीं खाता। बनाने वाला परेशान, खाने में तो दिक्कत हो रही। बनाने वाला परेशान है, लगवा दे दो चार कुक, लगवा दे घर में शेफ, लगवा दे। एक ही कुक चाहिए मेरे को, वो भी बढ़िया मस्त बिल्कुल। अच्छा, ड्रैगन में देख लाना होगा। शादी वादी अभी नहीं होगी, बाद में होगी, बड़े तो हो जाए। तो गाइस मम्मा ने ना ये बनाई है, देख लो, इडली सांभर बनाया है। ये इतनी बड़ी प्लेट में इतनी सी इडली, हाँ इसमें और रखी है गाइस, और ये नारियल वाली चटनी। तो फटाफट ये कर लेते हैं, इसके बाद जो है अपन पंपम भाई के घर निकलते हैं ना। क्या क्या नाम है मेरे को? पंपम, अरे पंपम भाई नहीं, सब उसको घर में पंपम बुलाते हैं। किसने रखा है जैसे कि? उनके घर वालों ने रखा है, प्यार से रखा है। प्यार से, प्यार से, प्यार से पंपम, प्यारा तो नाम है कितना। तुमने क्यों नहीं रखा मेरा कोई नाम? रखा है ना हमने। क्या रखा है? काना। ये ना वो भैयू है ना, भैयू को भी काना बुलाती है, मुझे भी काना, सबको एक ही नाम से बुला लो तुम। नहीं उसका क्या है? अच्छा, उसको काना नहीं कर रही थी उस दिन? प्यार से बोल। चलो चलो चलो, लेट हो गए गाइस। पंपम भाई भी कब से अपना ना वेट कर रहा है, और मुझे आके ना इसको भी बाहर निकालना है वहां पे। पता है क्या करना है हम लोग को? अभी मैं आऊंगा, हम लोग ना बांस के बम्बू खरीद के लाएंगे, यहाँ पर गड्ढा करेंगे ऐसे, और यहाँ पर दो या चार बम्बू जितना भी होगा गाड़ेंगे, उसके ऊपर त्रिपाल बिछाएंगे और एक शेड तैयार करेंगे टेम्पररी, जिसके अंदर मतलब एक दो बाइक्स लग जाएं और अपना जो मेन डुगडुग है ना वो भी खड़ा हो जाए, और थोड़े टाइम बाद एक पक्का शेड में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, न्यू मार्केट जाना है मुझे, पर न्यू मार्केट पहुंचने में मुझे लगेगा सिर्फ और सिर्फ हार्डली 7 से 8 मिनट। ठीक है, बिकॉज अपने पास है KTM ड्यूक, और भाई ड्यूक से याद आया, अभी तक अपन लोग ने अपनी KTM का नामकरण नहीं किया। मेरे को इतने सारे ऑप्शंस आ गए ना, थोड़ी देर रुक जाओ, तुमको सारे ऑप्शंस बताता हूँ जो मुझे तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में मतलब सजेस्ट करें। उसमें से कुछ नाम अच्छे थे और कुछ नाम ना कॉपीड थे। भाई जिन लोगों ने ऑलरेडी वो नाम रख लिए अपने बाइक्स के, कुछ व्लॉगर्स हैं उनने, उनकी बाइक्स के नाम सजेस्ट मत करो, सेम नहीं रखना, कुछ डिफरेंट रखना है, कुछ हटके रखना है। और एक भाई तो रानी, रिया और क्या क्या बोलता भाई, मतलब ऐसे ऐसे नाम बता रहे, लड़कियों के नाम क्यों बता रहे हो भाई? कुछ अच्छे नाम बताओ। अच्छे नाम अगर तुम्हारे दिमाग में है तो डू लेट मी नो, वरना मैं भी लगाऊं, मैं भी सोच ही रहा हूं। और उसके बाद जो है इसका मॉडिफिकेशन अपन शुरू कराएंगे, इसको मस्त वाला जो अपन रैप करवाएंगे। भाई के यहाँ से भाई से पिज्जा पार्टी दी हम लोग को, मस्त पिज्जा विज्जा खिलाया, थैंक यू भाई। ओ भाई खिलवाया था भाई, छीना पंपम मैंने, इन्हें ना स्वीट कॉर्न वाला जो है पिज्जा बुलवाया था भाई। वो सेटअप दिख रहा है आप लोग को, अभी नहीं बाद में दिखाऊंगा। कितने गए पंपम भाई?
5 लाख का सेटअप है गाइस, 5 लाख का, मजाक सेट के बता रहा हूँ, 5 लाख का सेटअप है, पर इस 5 लाख के सेटअप से 5 मिनट की रील नहीं बना पा रहा है, 5 मिनट भी नहीं, 5 सेकंड की है वो। रात को पक्का भाई, इंस्टाग्राम पे एक रील आने वाली है, पंपम भाई एडिट करके देंगे उसको, ठीक है, थैंक यू भाई। किक नहीं पड़ेगी, बुल्ट है बुल्ट। अरे अरे नहीं यार, अरे अरे भाई ऊपर क्या कर रहा है, अरे ऊपर क्या कर रहा है, जबरन जबरन कर रहा हो रहा है, मैं हूँ अभी कम है क्या, अच्छी लग रही कि नहीं बता पहले, दिख रही है ना, हाँ दिखने वाली चीज ही है। कैसी हो प्रीति, भैया तंग तो नहीं कर रहे ना, भैया पेट्रोल वगैरह तो डलवा रहे हैं ना। सो गाइस अपन लेंस कार्ट आ गए, अब चलते हैं भाई अपने सनग्लासेस को और ठीक करवाते हैं। लेंस कार्ट वालों ने तो भाई मना कर दिया है भाई, बेसिकली मना तो नहीं किया, उन्होंने ट्राई करा, फिर उन्होंने बोला कि रिस्क पे सर हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने कहा हाँ भाई ले लेंगे रिस्क, जाओ आप एक बार ट्राई करके देखो। तो भैया ने ट्राई करके देखा भाई, बट उनसे नहीं हो पा रहा, पर उन्होंने सजेस्ट किया कि जो लोकल ऑप्टिकल्स की शॉप होती है ना उन पे जाके मैं एक बार चेकआउट कर लूं, वहां जाएंगे तो हो सकता है वो लोग कर दें। वेल मैं तुम लोग को दिखाता हूं एग्जैक्टली हुआ क्या है, ठीक है। तो ये अपना कवर है, ये दिख रहा है तुमको, इसका कांच निकल गया है, तो कांच तो निकल गया है, बट उसके साथ ही साथ ये दिख रहा है आपको, इसमें ना कैसे लग के स्क्रू लगना है, और साथ ही साथ ये थोड़ा बेंड हो गया है, तो इसका फ्रेम भी सही करना है और स्क्रू लगाना है और कांच फिटिंग होनी है। और यार अब मेरी गाड़ी के पीछे यार एक ने बाइक लगा दी अपनी, लॉक भी करके चला गया, तो यार समहाउ मैंने वहां से मैनेज करके बाइक को तो बाहर निकाल लिया। लेट्स गो, अब घर चलते हैं। अनुग्रह भैया भी आ गए अपना वेट कर रहे हैं, जो मैंने काम बताया था ना शेड वाला वो करना है हम लोग को, ठीक है। गाइस मैं अभी घर ही जा रहा था और रास्ते में ना मुझे देखो वो कुछ दिखा ऊपर, नॉकआउट फाइट क्लब करके, यार अपन को तो पता नहीं बेसिकली ये क्या है, पर मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो ऊपर चलते है भाई, पूछ के आते हैं एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं, है ना। देखो गाइस इसका एंट्री देखो, मैं आ गया ऊपर से सब कुछ समझ के। ये ना बेसिकली एक मतलब जो अपन स्पोर्ट्स सीखते हैं ना गाइस, मिक्स मार्शल आर्ट्स हो गया, एमएमए हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, तो ये जो स्पोर्ट्स होते हैं ना फाइटिंग वाले स्पोर्ट्स भाई, उसकी ना एकेडमी टाइप का कुछ खुला है, ग्रुप है ना नॉकआउट फाइट क्लब, ये ना दिल्ली बेस्ड कंपनी है, तो ये ना चेन सिस्टम है, तो उन्हीं का एक ब्रांच यहाँ पर खुल गया है भोपाल में भी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया इसके बारे में। और सैटरडे इवनिंग को उन्होंने कहा कि अगर आपको एक डेमो चाहिए तो आप डेमो के लिए आ सकते हो, और मतलब यहाँ पर जो है किक्स वगैरह बॉक्सिंग वगैरह सब कुछ सिखाया जाएगा। तो भाई अभी मैं मन बनाता हूँ, अभी तो और पक्का नहीं है, पर ना गाइस मेरा ना ये मन था काफी टाइम से कि मैं ना मतलब जिम से हटके कुछ सीखूं, समझ रहे हो ना, जैसे जिम में जाते हैं डंबल उठाते हैं भागा दौड़ी करते हैं वो सब तो ठीक है, अलग चीज है, कुछ लोग होते हैं फुटबॉल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग होते हैं भाई मिक्स मार्शल आर्ट्स करते हैं, एमएमए करते हैं, बॉक्सिंग वगैरह करते हैं, टाइकोंडू करते हैं, जो इस टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं ना भाई, ये ना आजकल मुझे मतलब बहुत ज्यादा मतलब यूं कहूं कि इंटरेस्ट काफी ज्यादा इन सब चीजों के लिए जा रहा है। तो अब लेट्स सी भाई क्या होता है क्या नहीं होता, जिम तो जा नहीं रहा हूं, सोच रहा हूं ऐसी एक चीज ज्वाइन कर लेता हूं या एक नया स्पोर्ट सीख लेता हूं, तो लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं अभी फिगर आउट करते हैं। अभी तो कुछ ऐसा कुछ पक्का नहीं है, बस दिखा रास्ते में मुझे कुछ इंटरेस्टिंग तो मैं रुक गया, बिकॉज काफी टाइम से ना मेरे मन में भी थी वाली बात कि मुझे ना कुछ सीखना है। गाइस घर तो आ गए हैं अपन लोग, और अनुग्रह भैया भी आ गए हैं भाई अपने घर पे, ये खड़ी देखो उनकी होंडा सिटी, डाल 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 डाल, ये गाइस अभी बताता हूँ ये क्या है, रुको। शिवम भाई ने चाइना गए थे लेने के लिए इस मशीन को, ऑन है क्या? हाँ ऑन है भाई, चाइना से ला रहा हूँ ना तुम्हें भाई। शिवम भाई इस मशीन को चाइना से लेके आए थे, बिकॉज ना एग बॉइल करने में ना क्रैक्स वगैरह आ रहे थे, अब ये ना, अरे भाई शांत गाइस, अब ना गाइस ये दिख रहा है, ये तो कोई पानी डला है इस प्लेट के नीचे, और अब ये भाप बनाएगा, भाप बनाने का स्टीम में ये बॉइल हो जाएंगे, देखते हैं भाई कैसा प्रोडक्ट है, अभी तो नहीं पता, अगर सही बॉइल होंगे ना तो शॉप के लिए इसी से बॉइल करेंगे। सौरभ के नहीं खाले, डायनासोर के, इस पाड़े आदमी के अंडे चढ़ता ही रहता है, रखो ये लाओ इधर, घंटा है मेरी, इधर लाओ रख दो भाई, ये आदमी आता है मेरे घर का राशन पूरा खत्म कर जाता है, कैसा ठसेड़ा आदमी हो भाई। गाइस ये देख लो, ये फाइनल रिजल्ट, बिल्कुल परफेक्टली जो है भाई अंडे चल रहे हैं, सही है। अरे शांत खड़े रहो 2 मिनट जरा, ये देखो भाई बिल्कुल परफेक्टली अपने जो अंडे वाले भाई छील रहे अंडे। शुभम भाई मतलब भाई ये वाला जो मशीन है ना अमेजोन से लिया है, ऑल ओके रिपोर्ट, ऑल ओके रिपोर्ट है गाइस। अब अपन अपना जो है इवनिंग वाला स्नैक करेंगे, ठीक है। मम्मी ने मस्त जो है भाई, एक सेकंड मेरा कैमरा लेंस इतना ब्लरी क्यों हो रहा है, ये पोछा अब हुआ ना गाइस एकदम साफ। तो ये रहा भाई अपना इवनिंग स्नैक लग गया है, मस्त पापड़ है और भजिए और हरी चटनी, ठीक है। तो गाइस मैं ना अभी जा रहा हूँ एक जिम चेकआउट करने, वहाँ ना धर्मेंद्र भाई भी हैं, तो काफी टाइम से धर्मेंद्र भाई से भी अपन मिले नहीं है, इसी बहाने ना उनसे मिलना भी हो जाएगा, एट द सेम टाइम जो है जिम भी देख लेंगे, मेरा भी काफी ज्यादा मन कर रहा है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। आ जाओ दादा, गजब बेइज्जती है ये, देखो इनकी बदतमीजी, अभी रुक जाओ गाइस, अभी 2 सेकंड देना बस, मुझे कहा था ना गाइस 2 सेकंड में बैठा लूंगा अंदर। इधर देखना, इधर देखना कार्टून लग रहा है।
बाय। जिम खोल लिया है, ठीक है ठीक है, देख रहे हो इतना बड़ा जिम खोल लिया, कह रहे ठीक है। बड़े लोगों की निशानी होती है, मतलब जिम खोल लिया और बुला ही नहीं रहे वर्कआउट करने के लिए कि आओ बॉडी बनाओ लॉन्डो। नेक्स्ट वीक से आ जाओ, नेक्स्ट वीक से। क्यों बदलाव नहीं यार धर्मेंद्र भाई, यार कमजोर लग रहे हो यार। हमारे साथ थे धर्मेंद्र भाई गोल्ड से, हम वर्कआउट कराते थे इनको, तो कितने जाड़े थे। अब देखो भाई छुपा रखा है, सेटअप करने के लिए थोड़ा देख रहे हो गाइस कितना प्यारा जिम खोला है धर्मेंद्र भाई ने। 15 तारीख से भाई मैं भी आना शुरू करने वाला हूँ ना, 15 तारीख से आने वाले भाई, और तुम में से किसी को आना है यहाँ धर्मेंद्र भाई मिलेंगे 15 तारीख से आना, डिस्काउंट डिस्काउंट लेना बढ़िया जो यहाँ पे वर्कआउट करना, और इस पहाड़े आदमी को भी साथ लेके आएंगे अपन, फोटो शूट नहीं करते यहाँ वर्कआउट करने आते हैं। चलो ये अच्छा है भाई, यहाँ पे ना लॉकर रूम की फैसिलिटी भी दे दी है, पहले नहीं थी। बाय, 15 तारीख डन है ना, 15 तारीख करना। अब वो इधर ही देख रहा है कैमरे पे, देख रहा है, हंसना किया ना, सो हंस 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 और हंस, तेज हंस और हंस और हंस हंस लो। क्यों रे खूब हंस रही है, हैं? ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना सूरज की।